दोस्तों आप लोगों के बहुत ही सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे आप लोगों ने मुझे सवाल पूछे थे जिसका आंसर देना बहुत ही जरूरी था। तो दोस्तों आप लोगों ने मेरे से बहुत बार पूछा है दोस्तों कि भाई BA6 हॉर्नेट कब तक आ रही है और इसमें क्या क्या अपडेट हमें देखने को मिलने वाले हैं, इसका प्राइस कितना बढ़ने वाला है, पावर ड्रॉप होगा या नहीं होगा और इसके इंजन में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, स्पीडोमीटर में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, इंजन किल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब आपका सवाल था जिसका मैं आज आप लोगों को आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन को ऑन कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में कि पहले हमें BS4 मॉडल में इसका क्या प्राइस मिलता था और अब इसका हमें क्या प्राइस देखने को मिलेगा, यानी कि कितना प्राइस भाई बढ़ने वाला है इस बाइक में और अगर प्राइस इतना बढ़ रहा है तो उसका रीजन क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप लोगों को BS4 में ये बाइक मिलती थी 1,10,000 से 1,12,000 के आसपास। जी हाँ, 1,10,000 के आसपास हमें ऑन रोड प्राइस मिलती थी जिसमें यहाँ पे इंश्योरेंस और RTO के पैसे इंक्लूड होते थे। अब दोस्तों आप लोगों को ये बाइक 1,20,000 के आसपास ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी, तो सीधा सीधा इसमें 8,000 से 10,000 रुपये प्राइस बढ़ेगा। अब ये देखते हैं कि इतना प्राइस बढ़ रहा है तो इसमें चेंजेस क्या क्या हमें देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को भी पता है कि सबसे बड़ा जो हमें चेंज मिलने वाला है इंजन में, वो आप लोगों को मिलने वाला है BS6 के साथ फ्यूल इंजेक्टर। जी हाँ, जिसे हम फ्यूल इंजेक्शन भी कहते हैं और FI भी कहते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर ऑल BS6 बाइक्स। तो ये तो इसमें अपडेट होगा ही होगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा प्राइस यही ले रहा है। जी हाँ, FI की वैल्यू ज़्यादा है, प्राइस इसका ज़्यादा है, इस वजह से इतना प्राइस बढ़ेगा FI की वजह से। उसके बाद दोस्तों इसमें आप लोगों को कैटलिटिक फिल्टर देखने को मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर BS4, ताकि उसके कार्बन को रोक सके बाइक को। साथ में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूं कि बहुत सारे आपने बाइक में देखा होगा कि जितनी बाइक BS6 के साथ लॉन्च हो रही है सभी बाइक से हमें पावर ड्रॉप का एक इशू आ रहा है, लेकिन दोस्तों होंडा और हीरो ने क्लेम किया है कि हम जितनी भी BS6 बाइक निकालेंगे उसका पावर कम नहीं होगा, उल्टा उसका पावर आपको ऐसा लगेगा कि पावर बड़ा है। जब दोस्तों ऐसा क्लेम किया गया होंडा की तरफ से और हीरो की तरफ से, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और मुझे ये न्यूज़ होंडा वालों की तरफ से भी देखने को मिली थी, मैंने शोरूम में भी पूछा था तो वो लोग ने मुझे बताए थे। उसके बाद दोस्तों इसके हम बात कर लेते हैं स्पीडोमीटर के बारे में। उससे पहले मैं आप लोगों को इसके लॉन्च के बारे में बता दूं, तो दोस्तों इसका जो लॉन्च डेट है, जैसे आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट हर एक BS6 व्हीकल को अप्रैल से कंपलसरी करना है, अप्रैल से हर एक BS6 बाइक बिकेगी, BS4 नहीं बिकेगी। तो दोस्तों हो सकता है, नहीं सॉरी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप बोलते हो सकता है, आपको मैं अगर परफेक्ट डेट बताऊं तो जो मैंने होंडा वाले से पूछी है आप बोलेंगे फर्जी, नो, मैंने होंडा वाले से पूछा है तो वो लोग बोले कि भाई आप लोगों को ये बाइक, मैंने पूछा उनसे अपने ऑडियंस को बताना, तो वो लोग बोले आपको ये बाइक अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके नियरेस्ट शोरूम में देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 110% हो सकता है कि ये बाइक आप लोगों को यहाँ पे अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगी होंडा शोरूम में, जो आप जाके देख सकते हैं अगर आप लोग बाइक को बुक कराएंगे। तो हो सकता है दोस्तों आपके लिए बाइक बहुत ही जल्दी आ जाएगी, 4,000 से 5,000 रुपये देकर आप बाइक को बुक करा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बताऊँ इंजन की सीज के बारे में, जो आप लोग की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो 110% आप लोगों को इस बाइक में इंजन किल स्विच देखने को मिलेगा। जी हाँ, 110%, क्योंकि SP125 में भी मिला है और आप लोगों को साइन में भी मिला है और जो न्यू यूनिकॉर्न आ रही है उसमें भी देखने को मिला है, तो हॉर्नेट 160 BS6 में भी इंजन किल स्विच 110% मिलेगा। स्पीडोमीटर के अपडेट के बारे में बता दूं, तो इसमें अब आप लोगों को गियर इंडिकेटर देखने को मिलेगा। जी हाँ, 110% गियर इंडिकेटर देखने को भी मिलेगा। साथ में आप लोगों को डिस्टेंस टू MT, यानी कि दोस्तों ये भी मिलेगा कि आपके व्हीकल में कितना पेट्रोल है और वो पेट्रोल अभी कितना किलोमीटर आपकी बाइक को और चलाएगा, और हो सकता है कि आप लोगों को इस बाइक में माइलेज इंडिकेटर देखने को भी मिले। माइलेज इंडिकेटर मतलब दोस्तों कि आपकी बाइक अभी एट प्रेजेंट कितना माइलेज दे रही है, इससे हमें सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होगा कि दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, जब शोरूम में आप सर्विस में ले जाते हैं तब आप उनको बोल पाएंगे अगर आपका माइलेज कम दिखा रहा है तो। और दोस्तों इसके अपडेट के बारे में बताऊं, तो अगर आप बोलेंगे इसका ग्राफिक, तो ग्राफिक थोड़ा सा चेंज होगा,
इसको ज्यादा चेंज नहीं किया जाएगा, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन आपको ग्राफिक में देखने को मिलेगा और हो सकता है कि कुछ नए कलर इसमें हमें देखने को मिल जाए। हेडलाइट के बारे में बात करेंगे तो हेडलाइट आप लोगों को एज अ टीज मिलेगी पहले की तरह, क्योंकि इसमें आपको ऑलरेडी होंडा की तरफ से बहुत ही अच्छी हेडलाइट मिली है। मेरे पास जो हॉर्नेट है वो 4 साल पुरानी है, तो अभी जो आ गई है नई, सॉरी मेरी 3 साल पुरानी है, और जो अभी नहीं आ गई है उसमें आप लोगों को न्यू हेडलाइट मिल रही है, जहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एलईडी मिल चुका है। तो जाहिर सी बात है भाई, एलईडी मिल चुकी है तो हेडलाइट में कोई बहुत बड़ा अपडेट हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जाहिर सी बात है बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ने वाली है। साथ में दोस्तों आप देखेंगे कि बाइक में थोड़ा सा वाइब्रेशन महसूस होता है। जब दोस्तों मैं भी इतने साल से यूज करो तो मुझे भी ऐसा लगता है कि बाइक में वाइब्रेशन है इसके फाइबर की वजह से। तो यहाँ पे दोस्तों वाइब्रेशन भी BS6 में पूरी तरह से खत्म किया जाएगा और बाइक को बहुत भी ज्यादा रिफाइन बनाया जाएगा। बाइक बहुत ज्यादा स्मूथ चलेगी कंपैरिजन टू ओल्ड मॉडल। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, सेम एज इट इज ब्रेक मिलेगी डुअल डिस्क के साथ सिंगल चैनल ABS। टायर्स भी आप लोगों को एज इट इज सेम मिलेंगे, 140 और 180 का टायर, उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं मिलेगा। और आप लोगों को बाइक का माइलेज थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है कंपैरिजन टू ओल्ड BS4 मॉडल फ्यूल इंजेक्टर FA की वजह से। और आप लोगों ने मुझसे, कई लोगों ने पूछा कि क्या भाई 6th गियर मिलेगा, तो नहीं भाई 6th गियर नहीं मिलेगा। 160 के हिसाब से आप लोगों को बाइक में 5 गियर ही देखने को मिलेंगे। 5 गियर के हिसाब से ही बाइक को डिजाइन किया जाएगा होंडा की तरफ से। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आप लोगों को ये बाइक देखने को मिल जाएगी नियरेस्ट शोरूम में, जहां जाकर बाइक को देख भी सकते हैं और बुक भी करा सकते हैं और बाइक परचेज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके और आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सकें।